मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद का जन्म बिहार के कटिहारी कस्बे में 1968 में हुआ और यहीं इन्होंने एमएससी तक की एजुकेशन प्राप्त की। पिता बालेश्वर रेलवे में कर्मचारी थे और माता तेतरी देवी घरेलू महिला थी। 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के मोहन प्रसाद बचपन से ही मेघावी छात्र रहे। इसी वजह से उन्हें गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल गई और पार्टनरशिप में उन्होंने मेडिकल शॉप भी शुरू की। जीवन में बहुत कामयाब होना बचपन से ही उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन जरिया नजर नहीं आ रहा था। 1999 में सुश्री रूपम के साथ इनका विवाह हुआ। दोनों जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में विचार कर रहे थे। सन 2001 में मेडिकल की दुकान पर आए एक कस्टमर बुद्ध प्रसाद जी ने आरसीएम के बारे में जानकारी दी। बुद्ध प्रसाद जी आज आरसीएम के सफल व्यक्तियों में से एक हैं। अच्छी तरह से जीवन व्यापक होने के बाद भी वो आरसीएम में टाइम, मनी और सिक्योरिटी को समझ गए और पार्ट टाइम आरसीएम शुरू कर दिया। पत्नी रूपम पूरा सहयोग करने लगी। सभी मिलने वालों और रिश्तेदारों ने दोनों को पागल कहना शुरू कर दिया। कहने लगे, आपको आरसीएम की क्या जरूरत है? लेकिन मोहन प्रसाद और उनकी पत्नी रूपम अपने भविष्य के लिए आरसीएम कर रहे थे। 2001 में पहली इनकम, 2002 में रॉयल्टी, 2005 में टेक्निकल अचीवर बने और आज आरसीएम में एक सम्मानित पिन स्टार एम्ब्रॉल्ड से नवाजा जा रहा है। नौकरी और दवा की दुकान दोनों कर रहा था, मेरे पास वक्त नहीं हुआ करता कि मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। इससे पहले तो हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उससे हर इच्छाएं पूरी नहीं होती है। जब मैं लोगों को प्लान दिखाने लगा, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ही एक उपदेश किया, यार तेरे पास दवा दुकान है, नौकरी है, घर द्वार है। एक समय ऐसा आया कि मेरा दवा की दुकान में मेरे अपने लोग आना ही बंद कर दिए, क्योंकि उसको लगा कि यार जाएंगे दवा लेने का तो वो मोहन प्रसाद क्या है कि आरसीएम का प्लान दिखाएगा। मैं अपने आप को उनका छोटा भाई कहते हुए मुझे इतने ज़्यादा गर्व होता, मुझे शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता। से मैंने आरसीएम में देखा टाइम, फ्रीडम और सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि नहीं, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपना ही सपना तो पूरा कर सकें, पूरे खानदान का, पूरे परिवार का भी कर सकते हैं। हमारे पास पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी दो दो हमारे पास गाड़ी हो गई हैं और हमने अपने एक बंगला भी बनाया हुआ है। आरसीएम बिजनेस मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बिहार के लोगों को एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत लोगों को लाभ दे सकता हूँ। हम लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी खुशहाल हो गई है कि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। हर महिलाओं को मैसेज देना चाहती हूँ, हर बहनों को मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो उसके हस्बैंड आरसीएम कर रहे हैं तो पत्नी उनका साथ दे। पापा की तरह समाज में इज्जत भी पाना चाहते हैं, पूरा सोसाइटी में हमको, मेरे नाम से मेरे पापा को भी जाने। इतना बड़ा पोस्ट पर नहीं सोचे थे कि जितना बड़ा पोस्ट पर हमारा लड़का जाएगा। हमारे बच्चे अभी बहुत अच्छी खुशियों वाली ज़िंदगी बिता रहे, चूँकि इसमें पूरा परिवार एक साथ मिले रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। ये आरसीएम ही है जो पूरे परिवार को मिला के रखता है। माई फादर इज ग्रेट, आई लव माई फादर। आज मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं रहूं अन्यथा नहीं रहूं, लेकिन आज मेरे परिवार और मेरे बाल बच्चे को आरसीएम मुझे संभाल लेगा।